the entire Bollywood being a soft target, you know, the entire Bollywood is held responsible for the drugs involvement and all. Why to blame each and every one? Drugs are bad for the youth in any case, anywhere. Any reason by which the press can use to cry out that this is the worst thing on earth, our youth will be saved. And whether you connect it to Bollywood or to connect it to any level of society, you know, in universities, schools, this, that, कहीं भी आप connect करिए, it's not Bollywood also. If there is something like drugs anywhere, it should be totally banned and removed from the surface of this particular our country. We don't want this. ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं होनी चाहिए. और अच्छा है कि किसी बात के रीज़न पे ये फोरफ्रंट पे आई है बात, और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज अब काम कर रही हैं, और उससे बहुत बड़ा धक्का पड़ा है लोगों को, और बच्चे बच जाएंगे इस चक्कर में. एंड दैट इज़ गुड न्यूज़, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एनीवेयर. बाहर तो निकली ना बात, आज तक ड्रग्स की बातें कहाँ आती थी पेपर्स में? पिक्चरों में दिखाया जाता था कि कोई का पिक्चर आ गया ड्रग्स की, अब तो फ्रंट पेज न्यूज है ड्रग्स. तो उससे एक चीज़ तो फ़ायदा होगा ना, कि माँ बाप थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, बच्चे थोड़े अवेयर हो जाएंगे, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो बड़े बड़े बॉलीवुड लोग हैं जानेंगे कि ये जो कर रहे हैं, कोई किसी ने भी किया हो, इज़ नॉट राइट फॉर द यंगर जनरेशन टू ऑब्जर्व. वो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ें, उनके एल्डर्स कर रहे हैं, तो ये भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे. तो दैट इज़ वॉट इट इज़ रॉन्ग. एंड आई एम हैप्पी दैट द ड्रग एनफोर्समेंट थिंग इज़ देयर इन प्लेस एंड पीपल आर फाइटिंग टू ब्रिंग दिस कर्स ऑन ह्यूमैनिटी टू बी ousted from the surface of the earth.